दुबई कमाने गया पति हुआ लापता, पत्नी लगा रही है अधिकारियों की चक्कर। आपको बता दें, देवरिया जनपद के थाना कोतवाली सलीमपुर किशोरगंज संस्कृत पाठशाला रोड के रहने वाली दीपमाला बर्नवाल ने कहा है कि उनके पति 14 नवंबर से लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं चला। उनका कहना है कि एजेंट के द्वारा उन्हें 65,000 रुपये उनसे ले लिया गया और टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई भेज दिया गया, लेकिन उनसे 14 नवंबर के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हम परेशान हैं। वहीं पीड़िता दीपमाला बर्नवाल ने बताया कि हमने सलीमपुर थाना कोतवाली में भी तहरीर दिया, लेकिन वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद लाचार होकर जिला अधिकारी के पास पहुंची अपनी समस्या लेकर। वहीं दीपमाला का कहना है कि उससे एजेंट के द्वारा धोखाधड़ी किया गया है, जिसको लेकर वह चाहती है कि उसका पति वापस इंडिया आ जाए। सुनते हैं पीड़िता दीपमाला बर्नवाल का क्या कहना है। क्या मामला है? मेरे पति दुबई में गए थे और वहाँ जाकर 10 महीने तक रहे हैं। वीजा खलास होने पर शिव कुमार ने अपने पास रख लिया और अपने पास रख के काम कराया। 10 महीने के बाद वो अब 14 तारीख को, 10 महीने के बाद 14 तारीख को मोबाइल छीन लिया और रातों रात पता नहीं क्या हो गया। उसके दिन से हमसे बात नहीं रहा, उसे पूछने पर तरह तरह से बोल रहा है कि पता नहीं है कि वो कहाँ है, समझ नहीं आ रहा कि किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, पता नहीं रहा है। कितने दिनों से बात नहीं हो रही है उनसे? 1 महीना 1 दिन हो गई। जी, आप किस देश में गए हैं कमाने के लिए? दुबई शारजा। कितने दिन पहले गए थे? फरवरी में गए थे, फरवरी लास्ट। एजेंट क्या बता रहा है? एजेंट बता रहा है कि दारू पी कर निकल गए हैं। 10 महीना से दारू नहीं पीते थे, 10वें महीना में जब उनसे पैसा मांगा गया तो दारू पीने लगे। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? सलीमपुर थाने में किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो आज मैं यहाँ आई हूँ। क्या नाम है उनका? संजय कुमार बर्नवाल। आप कौन है उनकी? मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या नाम है? दीपमाला देवी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितने वर्ष के हैं? कम 10 वर्ष के, 8 वर्ष। दोनों लड़के हैं, एक लड़की भी है? दोनों लड़का है। कहाँ घर है उनका? घर कहाँ है आपका? सलीमपुर। ठीक है।